गौतम गुलाटी का करियर बनाएंगे सलमान, राधे के बाद ऑफर की दो और फिल्में। बिग बॉस 8 के विनर रह चुके गौतम गुलाटी फिल्म राधे यू मोस्ट वांटेड भाई से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले हैं। ये सलमान खान की फिल्म है। सलमान खान ने गौतम गुलाटी को उनके करियर का बड़ा ब्रेक दिया है। गौतम ने बताया है कि सलमान खान ने उन्हें दो और फिल्में ऑफर की हैं। गौतम गुलाटी ने एक वेब पोर्टल से बातचीत करते हुए बताया है कि सलमान खान मानते हैं कि वो टैलेंटेड हैं और उन्हें सही जगह पर होना चाहिए। गौतम ने ये भी बताया कि सलमान खान की टीम उनका काम हैंडल कर रही है। गौतम के मुताबिक सलमान खान ने राधे के अलावा उन्हें दो और फिल्में ऑफर की हैं, एक वेब सीरीज ऑफर की है। गौतम के ये सभी प्रोजेक्ट्स पर काम राधे के बाद शुरू होगा। गौतम गुलाटी ने सलमान खान का उन्हें मौका देने के लिए शुक्रिया अदा भी किया। पिछले काफी दिनों से मिस्टर इंडिया के रीमेक पर लगातार फिल्म के डायरेक्टर और टीम के कमेंट्स आ रहे हैं। फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर का कहना है कि अलीबाज जफर ने फिल्म के अनाउंसमेंट करने से पहले किसी से नहीं पूछा। वहीं अब शेखर कपूर के सवालों का जवाब देते हुए सिने पोर्ट एंड लिरिसिस्ट जावेद अख्तर ने कहा है कि मिस्टर इंडिया बनाने का आइडिया शेखर कपूर का नहीं था। जावेद अख्तर ने कहा है कि शेखर साहब फिल्म कहानी, सिचुएशन, सीन्स, कैरेक्टर, डायलॉग्स, लिरिक्स और फिल्म का टाइटल, इनमें से कुछ भी तुम्हारा नहीं है, ये सब मैंने दिए हैं। हाँ, तुमने इन्हें बेहतरीन तरीके से एग्जीक्यूट किया है, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम कैसे इस फिल्म पर क्लेम कर सकते हो। दीपिका पादुकोण बहुत जल्द रणवीर सिंह के साथ एडिट्री में नजर आएंगी। इसी बीच दीपिका से उनके हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर सवाल हुआ। दीपिका ने सवाल पर बेबाकी से जवाब देते हुए कहा है कि ऐसा नहीं है कि उनके पास हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को ऑफर नहीं आया हो। सच तो ये है कि वो एक्टिवली उन ऑफर्स में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही हैं। फिलहाल दीपिका बॉलीवुड फिल्मों में ही ध्यान लगा रही हैं और अब तो मैडम प्रोड्यूसर भी बन चुकी हैं। आपको बता दें, दीपिका हॉलीवुड फिल्म XXX में नजर आई थी। करीना कपूर खान और सैफ अली खान के बेटे तैमूर अली खान बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर किड्स में से एक हैं। उनकी पॉपुलैरिटी किसी बड़े स्टार से कम नहीं है। तैमूर को आपने अभी तक स्कूल जाते हुए या खेलते हुए देखा होगा, लेकिन हाल ही में तैमूर कुछ ऐसा करते नजर आए जो आप भी सोच नहीं सकते हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि तैमूर अपने मम्मी पापा के साथ शूट कर रहे हैं और एक स्टाइलिस्ट के साथ ब्लोअर पकड़ते हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि तैमूर अपने मम्मी पापा के फोटोशूट में मदद कर रहे हैं। तैमूर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और फैंस और बॉलीवुड स्टार्स भी तैमूर की क्यूटनेस की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। इतना ही नहीं, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट भी तैमूर की इस क्यूटनेस पर प्यार भरा कमेंट कर रहे हैं। अनुष्का शर्मा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। वो आए दिन अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग पोस्ट करती रहती हैं। फैंस भी उनके पोस्ट को देखने के लिए बेताब रहते हैं और यही वजह है कि उनकी सोशल मीडिया पर अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। हाल ही में एक बार फिर अनुष्का ने अपने फैंस के लिए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में अनुष्का वेट लिफ्टिंग करती नजर आ रही हैं। वीडियो को खुद अनुष्का ने अपने इंस्टा स्टोरी पर पोस्ट किया है। वीडियो को शेयर करते हुए अनुष्का ने कैप्शन में लिखा है, आई लिफ्ट प्रो। दिशा पाटनी अपनी हालिया रिलीज फिल्म मलंग की सक्सेस को एंजॉय कर रही हैं। इसके अलावा दिशा को सभी ओर से अप्रिसिएशन मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ खबरें हैं कि मोहित सूरी की अगली फिल्म एक विलेन टू में दिशा पाटनी नजर आएंगी। इसमें आदित्य और जॉन अब्राहम लीड रोल में नजर आएंगे। अब हालिया इंटरव्यू में दिशा ने इसी बारे में बात की है और उन्होंने इस खबर को सिरे से नकार दिया है। दिशा ने कहा है कि इसमें कोई सच्चाई नहीं है।